इस्लामिक सेंटर की ओर से जारी संदेश पर सुन्नी धर्म गुरु रशीद फरंगी महली ने की अपील, कोरोना से बचाव के लिए हुकूमत और डॉक्टरों के मशवरे पर अमल करें। उन्होंने कहा कि सभी लोग अपने घर के अंदर ही रहें, नमाज घर पर ही पढ़ें, बीमारी के खात्मे के लिए दुआ करें। वहीं रशीद फरंगी महली ने कहा कि शबे बारात पर घर में ही इबादत करें, कब्रिस्तान न जाएं, अपने मुल्क और दुनिया से कोरोना के खात्मे के लिए दुआ करें। तमाम फौजियों हजरात, ये अपील इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया फरंगी महल लखनऊ व तमाम दीगर तंजीमों की तरफ से आप हजरात को पढ़ के सुनाई जा रही है। आप हजरात से गुजारिश है कि इस पर हर बहर अमल करें। नंबर एक, कि कोरोना से बचाव के लिए हुकूमत और डॉक्टर्स के जो मशवरे हैं उस पर हर बहर अमल किया जाए। नंबर दो, सब लोग अपने घरों के अंदर ही रहें। नंबर तीन, खांसी आने पर मुंह पर रुमाल ज़रूर रख लें। नंबर चार, नज़ला बुखार होने पर डॉक्टर से अपनी जांच ज़रूर कराएं। नंबर पाँच, दिन में कई बार हाथ साबुन से ज़रूर धोएं। नंबर छः, सफाई का खुसूसी ध्यान रखा जाए। नंबर सात, नमाज घर पर ही अदा करें और बीमारी के खात्मे के लिए दुआ ज़रूर करें। नंबर आठ, शबे बारात पर भी घर में ही इबादत करें और कब्रिस्तान हरगिज ना जाएं। नंबर नौ, 10 अप्रैल जो कि शबरात की 15 तारीख होगी, उस दिन जो लोग रोज़ा रख सकते हैं वो रोज़े का अहतमाम ज़रूर करें और अफ्तार के वक्त अल्लाह तबारक व ताला से करोना वायरस की बीमारी से, अपने मुल्क और पूरी दुनिया से इस बीमारी से निजात के लिए खुसूसी दुआएँ ज़रूर करें।